हेलो एवरीवन, मेरा नाम सक्षम दीक्षित है और मेरे चैनल का नाम पेंटिस डायरीज है। आज मैं आपके बीच फिर से एक हैक द बॉस की रिटायर मशीन जो कल ही की गई है उसका एक वॉक थ्रू आपको देना चाहता हूँ। कैसे वो मशीन कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स हैं, इसमें पिवटिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया, बहुत चीज़ें इसमें की गई हैं। तो आइए डेस्कटॉप पर चलते हैं। सो इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी आईपी एड्रेस जो है वो हमें पता है कि इसकी आईपी एड्रेस है 10.10.10.224। सो इसके लिए एनुमरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एनमैप के थ्रू हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से सर्विस हैं, जिसके वर्जन्स क्या हैं, कौन से ऑल स्पेसिफाइड पोर्ट्स, और हम यहाँ पर सिर्फ 10,000 पोर्ट्स के लिए ही चलाएंगे इस सर्विस को। सो एनमैप को हम सिर्फ 10,000 सर्विसेज के लिए ही चला रहे हैं, नॉट फॉर ऑल। ठीक है, हम इसको चला के छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तब तक हम उसके प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। सो इन द मीन टाइम हम देख सकते हैं कि यहां पर तीन पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, 53, 22, 88, 3128। सो इट्स एज ऑब्वियस यहां पर है कि ये जो मशीन है वो लिनक्स मशीन है एंड डीएनएस पोर्ट चल रहा है यहां पर, कर्बिरोस का पोर्ट भी चल रहा है और 3128 ये HTTP पोर्ट है, ये सब कुछ चल रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो हमें यहाँ पर मिली है वो ये मिली है कि हमें यहाँ पर इसका मशीन का होस्ट नेम मिल गया है। तो एक्चुअल होस्ट नेम मिल गया है कि क्या है, तो वो realcorp.stv है जो हमें होस्ट मिल गया है। सो हमें अब ये पता चल गया है कि होस्ट क्या है इस मशीन का। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पता चल रहा है कि 3128 की एक आईपी एड्रेस है, तो हम डायरेक्टली अपने फायरफॉक्स में जाएंगे और इस आईपी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसे ही यहाँ पर आईपी डालेंगे 10.10.10.224:3128, तो हम देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ रहा है। बट एरर के साथ क्या होगा कि हमें योर कैशे एडमिनिस्ट्रेटर इज दिस। सो आपको कैशे के थ्रू आपको एक यूज़र का डिटेल मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक ये आ गया है और हमारे पास हम कह सकते हैं होस्ट का डिटेल भी आ गया है। तो ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे आगे के सेटअप में। ओके, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखना चाहते हैं कि आगे क्या क्या मिल सकता है हमें। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, हम लोग अब DNS NM करेंगे जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से IPs और हैं जो DNS के थ्रू हम एनुमरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कमांड रहेगी जिसको हम रन करेंगे हमारे साइड से, मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ वो क्या है। सो हम यहाँ पर DNS सर्वर जो हमारा खुद का सर्वर है उसके IP डाल देंगे। ये मेरे पास एक वर्ड लिस्ट है जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सेक लिस्ट का पार्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये मेरे होस्ट है। एंड देन हम इसको सिंपली एंटर करके स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें IPs नहीं दिख रही हैं क्योंकि आई थिंक हमें यहाँ पर नहीं चल रहा है मिनट। सो इसके लिए हमें हमारी जो लिस्ट थी चेक, हमारी वर्ड लिस्ट जो थी उसके लिए हमें इसकी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जो चेक लिस्ट सेक लिस्ट है, डिस्कवरी है एंड देन DNS है। अब यहाँ पर जाके हम इस फायर कमांड को फिर से फायर करेंगे और ये अप्रोप्रिएटली वर्क करेगा। तो ब्रूट फोर्सिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड इन फ्यू मिनट्स हमारे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ अप्रोप्रिएट लिस्ट आ रही हैं जिसमें से हम कह सकते हैं कि wpad.realcorp.stv है, proxy.realcorp.stv है, ns.realcorp.stv है, ये हमारे पास कुछ एंट्रीज आ गई हैं और इनके IP एड्रेसेस भी आ गए हैं। बट यहाँ पर जो IP एड्रेसेस हैं वो एक डिफरेंट सेटअप के हैं, आई कैन सी दैट डिफरेंट पूल नेटवर्क के हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के उससे बिलोंगिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, हम इन मशीन को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ एक्सेसिबिलिटी डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें पिवटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, जो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी पिवटिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। इवन मैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप देख सकें उसको कि पिवटिंग क्या होता है और पिवटिंग कैसे किया जाता है। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर प्रॉक्सी चेन को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे।
प्रॉक्सी चेन इंस्टॉल करने का कारण क्या है कि अब हमें पिवटिंग करनी है तो हम प्रॉक्सी चेन के थ्रू करेंगे, तो हमने ये कर दिया। देन हमें क्या करना है, प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन को खोलना है। तो प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन हम खोलेंगे और यहाँ पर हमने ये तीन एंट्री कर देंगे, जो हमें आईपी एड्रेसेस मिले हैं उसके बेसिस पे हम एंट्री कर देंगे सारी, को बता देंगे कि ये सारे के सारे HTTP आईपी एड्रेस डाल दिए, ये लोकल होस्ट पे डाला है, ये दोनों आईपी एड्रेस जो मिले थे वो दोनों डाल दिए हैं, और 3128 इज द स्टैंडर्ड पोर्ट हम जो मेंशन करेंगे क्योंकि हमारा HTTP सर्विस 3128 पे ही चल रही है। ओके, तो हम इसको बंद कर देंगे ये एडिट करने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम प्रॉक्सी चेन को यूज करके हम चाहेंगे कि हमारे पोर्ट्स निकल सकें, क्योंकि हमारा टारगेट आईपी है 31। सो यहाँ पर प्रॉक्सी चेन को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पर प्रॉक्सी चेन की आईपी एड्रेसेस प्रॉक्सी चेन पैरामीटर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ किया जाए, फिर हम एनमैप यूज़ करेंगे क्योंकि हम एनमैप करना चाहते हैं कि टारगेट पे टारगेट आईपी जो है उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, उसको देखने के लिए हम एनमैप चला रहे हैं। तो हम ये हमारा कमांड है, हम इसको रन कर देंगे एंड देन इसको छोड़ देंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको रफली बता देता हूँ कि उसमें एक्चुअल पोर्ट्स कौन कौन से निकल के आएंगे जो हमारे काम के रहेंगे। तो इसमें से एक्चुअल पोर्ट्स आएंगे, पोर्ट 22 आएगा, पोर्ट 53 आएगा, 80 आएगा, 88 आएगा, 464 आएगा, 749 आएगा, 3128 आएगा। ये मेरे राइटअप में आप देख सकते हैं जब मैं इसे पब्लिश करूँगा, तो ये सारे पोर्ट्स हैं जो फाइनली आपको मिलेंगे इसकी जब ये कम्प्लीट होगा एनमैप। सो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। अब हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम देखना चाहेंगे फायरफॉक्स के थ्रू कि हमें एक और भी एंट्री मिली थी DNS की, जिसे कहते हैं wpad.realcorp.stb। तो ये क्या है, ये इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको एक्सेस करने का डायरेक्ट। तो मे बी ये इससे ना चले क्योंकि ये कह रहा है मुझसे कि ये रूट से अलाउ नहीं करेगा मुझे, तो मुझे एग्जिट करके जाना पड़ेगा काली यूज़र में। हम काली यूज़र में जाएंगे और इसको फिर से चलाएंगे। शॉट, ये रोबोट्स पे नहीं चलेगा, रोबोट्स हटा देते हैं, रोबोट्स की कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे चलाएंगे इसके थ्रू। सो आप देख सकते हैं कि ये रन होगा बट इसका हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, इसमें हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम ऐसा हम इसको एनुमरेट कर सकते हैं कि ये एक तरीके की कह सकते हैं कि वेब प्रॉक्सी है, जिसके लिए जो डिफ़ॉल्ट फाइल रहता है वो wpad.net रहता है। अगर आप एनुमरेट करेंगे नेट पे देखेंगे रिकॉन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी एक डिफ़ॉल्ट फाइल बनती है जब भी ये वेब प्रॉक्सी यूज़ की जाती है, जिसकी wpad.net करके एक डिफ़ॉल्ट फाइल बनती है। तो अब हम चाहेंगे कि उस फाइल को डायरेक्टली एक्सेसिबल किया जाए, तो हम एक काम और भी करेंगे कि हम इसकी एंट्री भी डाल देंगे, DNS एंट्री भी डाल देंगे, WPAD की DNS एंट्री भी डाल देंगे ताकि हम इसको एक्सेसिबल डायरेक्ट कर सकें। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली सॉरी मैंने एक चीज़ गलत कर दिया था यहाँ पर, यहाँ पर जो हमने एक्सेसिबल किया था वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग आईपी एड्रेस से पहले एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस से एक्सेस करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट किसी और चीज़ से एक्सेस करें। तो हम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम आईपी एड्रेस से थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इसको। तो इसका आईपी एड्रेस है 10.197.243.31, एक्सेसिबल ये भी नहीं होगा बट स्टिल, तो हमें आईपी एड्रेस से ही एक्सेस करके देखना है इसको कि एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेस नहीं होगा हमें। सो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेंगे, हमें होस्ट एंट्री डालने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें जो हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है .net फॉर्मेट में हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। हम चाहते हैं तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, तो ये फाइल देख सकते हैं आप यहाँ डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब ये फाइल अगर आप एक्सेस करना चाहें और देखना चाहें इसके अंदर डेटा क्या है, मैं पहले रूट में चला जाता हूँ एंड डाउनलोड्स में चला जाता हूँ एंड कैट wpad.net, तो हम इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। सेकलिस्ट के अंदर ही होगा, डिस्कवर DNS में गए आई थिंक यहाँ पर रहेगा, फिर लोकेट कर लेते हैं हम। सो करते हैं हम इसे लोकेट कर लेते हैं, मैंने वो फाइल डाउनलोड कर लिया है बट वो कहाँ पर डाउनलोड हुआ है, ओके तो वो डायरेक्टली बाहर डाउनलोड हुआ है,
तो हम डाउनलोड्स के बाहर जाएंगे और यहाँ पर जाके WPD डेट को करेंगे। सो हम जब उस फाइल को एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें कुछ एंट्रीज मिली हैं, कुछ पूल नेटवर्क्स मिले हैं जो /24 के हैं। एक है 10.197.243.0 एंड अदर देन दैट दूसरा है 10.241.251.0। ये दोनों /24 के नेटवर्क हैं और हमें प्रॉक्सी का भी वो मिल गया है। तो हम देख सकते हैं कि हमें कैसे मिला, ये दो पूल नेटवर्क हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम अब आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दोनों पूल नेटवर्क्स में हमारी एक्चुअली कौन सी आईपी एड्रेस है जो लाइव है राइट नाउ। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। मैंने दोनों पूल नेटवर्क्स पे रन किया था बट मैं एक पे दिखा रहा हूँ क्योंकि दूसरे वाले पे सक्सेस नहीं मिलता है, हमें मिला था। तो मैं सिर्फ पूल नेटवर्क बता रहा हूँ जिस पे मुझे सक्सेस मिला था, जो है 10.241.251.0 का पूल नेटवर्क /24 का नेटवर्क है। इस पे जब हम रन करेंगे तो हमें इसमें सक्सेस मिलेगा एंड देन ओनली वन आई पी एड्रेस हमारे पास आ जाएगी जो एग्जिस्ट कर रही है राइट नाउ। इतनी देर में हम देख लेते हैं कि हमारा ये अभी भी चल रहा है हमारा स्कैन। आप देख सकते हैं ये 32% कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से हमें एक आईपी मिल चुकी है जो है 10.241.251.13। सो अब ये आईपी एड्रेस पे हम देखना चाहेंगे कि एक्चुअल पोर्ट्स क्या चल रहे हैं। तो हम फिर से हमारी सेम कमांड को रन करेंगे, प्रॉक्सी चेन की कमांड को। इसको क्लियर कर लेते हैं और डाउनलोड सेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पर जाके हम फिर से इस कमांड को फायर करेंगे। यहाँ पर हमने होस्ट, टारगेट होस्ट जो है वो बदल दिया है, 10 जो हमें आइडेंटिफाई हुआ था हमने वही होस्ट यहाँ पर डाल दिया है एंड मैप करके देख रहे हैं कि इस टारगेट पे क्या क्या पोर्ट्स चल रहे हैं। सो इसको भी काफ़ी टाइम लगेगा बट इसका अल्टीमेटली इसका आउटपुट जो है वो मुझे पता है, वो हमें पोर्ट 25 पे हमें एक्सेस मिलेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके हुआ है पोर्ट 25 पे। तो हमें पोर्ट 25 इसका इनेबल मिलेगा। तो हम एक और नेक्स्ट स्टेप खोल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ये पोर्ट मिलेगा तो उस पोर्ट पे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या मिलेगा। ये एक SMTP का पोर्ट होगा जिसका वर्जन होगा OpenSMTPD। सो जैसे हमें वर्जन पता चला, हमें सर्विस पता चली, उसके बेसिस पे हम गूगल पे देखेंगे और गूगल पे जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें एक लिंक मिलेगा इसके थ्रू और मैं उस लिंक को ओपन कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप देख सकें कि क्या एक्चुअल मिलेगा हमें। तो ये एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक्सप्लॉइट अवेलेबल है इंटरनेट पे इस वर्जन पे। सो हम इसका इन्होंने डिप्लॉयड कोड दिया हुआ है ऑलरेडी जो 3.6 सपोर्टिव है पाइथन के, तो 3 वर्जन पे सपोर्टिव है। इस कोड को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग एंड देन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस कोड को ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे ले लिया है और अब मैं इस कोड को ओपन करता हूँ और ये मेरा कोड है जो मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज करके बनाया है, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक लिसनर और चला देंगे क्योंकि हम जब इसे ट्रिगर करेंगे तो इसकी इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें कमांड रन करने का ऑप्शन है, इसके साथ हमें टारगेट आईपी बताना होता है, पोर्ट नंबर बताने होते हैं। तो हम इसको जब कमांड को ट्रिगर करेंगे, हम कमांड बताएंगे तो हम इसमें रिवर्स शेल ले सकते हैं अपने लिसनर पे। तो हम वो ही करना चाहेंगे और अब मैं इसी चीज़ को लिसनर एक चला दूंगा मेरे उस पर, मेरे बेस मशीन पे एक लिसनर चला दूंगा जिसको मैं रन कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4। मैंने लिसनर चला दिया है एंड देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉक्सी चेन के थ्रू मेरी एक कमांड है उसको ट्रिगर करूँगा। इसको क्लियर कर लेते हैं और ये कमांड है। तो इसमें कमांड को आप समझ लीजिए, हमने प्रॉक्सी चेन यूज़ किया है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम है पाइथन 3 क्योंकि हमें ये फाइल रन करनी है, ये पाइथन की फाइल है। फिर हमने बताया टारगेट आईपी, हमने पोर्ट बताया 25 हमने आइडेंटिफाई किया था और ये हमारा बैश को ट्रिगर करने रिवर्स शेल लेने के लिए हमने वन लाइनर डाला है। इसको हम जैसे ही ट्रिगर करेंगे और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में देखेंगे कि हमें यहाँ पर शेल मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें शेल मिल गया है, ये शेल हमें मिला है SMTP टारगेट आईपी पे। तो अभी हमारा टास्क ख़त्म नहीं हुआ है, हमें सिर्फ टास्क हमारा 1 पॉइंट ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर जाके हम आईडी वैल्यू मारेंगे और हम देखना चाहेंगे कि ये क्या है, हमें रूट मिला है। ओके, ये सब होने के बाद हमारे पास क्या क्या होगा हम देखेंगे कि होम डायरेक्टरी में क्या है हमारे पास। और होम डायरेक्टरी में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक यूज़र है। मे बी आप रिकॉल कर सकते हैं कि हमने जब इनिशियल इनोमेशन किया था तब उस समय हमें एक यूज़र दिखाई दिया था जब हमने पोर्ट 3128 पे एक्सेसिबिलिटी की थी। तो
तो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो हमें एक यूज़र मिला था, ये सेम यूज़र है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके सो अब क्या होगा, हम इस यूज़र के अंदर जाएंगे, और अब देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो अभी तो हमें ब्लैंक दिख रहा है, बट अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें दिखेगा कंटेंट। तो सारी फाइल्स हैं इसके, हमारे लिए मेन फाइल कौन सी है जो ये दिख रही है आपको, हमें ये यूज़ करनी है, msmtprc। ये क्रिकी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स दिख रहे हैं। हम इन क्रेडेंशियल्स को नोटेड डाउन कर लेंगे क्योंकि हमें यही क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं आगे। बट ये क्रेडेंशियल्स हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, हमें ये पहले सोचना है, क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है बट हम कैसे आगे कहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक यूज़र है। हमें इतना पता है कि हमारी जो एक्चुअल टारगेट मशीन है उस पर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है। ओके तो अब हमारा टास्क क्या रहेगा कि हमें किसी तरह उस मशीन पर पहुँचना है, और उस मशीन पर मतलब टारगेट मशीन पर पहुँचना है और ये यूज़र को यूज़ भी करना है, बट हमारे पास डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास जो है इसके थ्रू हम एक टिकट बनाएंगे, उन टिकट को यूज़ करके हम अपनी मशीन पे लॉगिन करेंगे। ओके तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्विस को है वो इंस्टॉल करेंगे, एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके तो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे KRB5 का पैकेज। मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करेंगे, और आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज़ किया है। मैं इस कोड को भी मेरे सिस्टम पे मेरे राइटअप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जिसमें हमने थोड़ा कस्टमाइजेशन किया, रेस्ट मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। ये फर्स्ट लाइन आपको चेंज नहीं करनी है, ये एज इट इज़ रखनी है। इसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट रिलम बताना है जिसमें आपको एक्चुअली अपना होस्ट बता देना है। फिर हम रिलम को यहाँ लिखेंगे और फिर हमारा जो होस्ट है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद KDC बताएंगे जो टिकटिंग सर्विस देने वाली IP है, जो हमने कह रहे हैं यहाँ पर हमारा IP खुद का टारगेट IP है जो हमारा है 10.10.10.224, वो हमने दे दिया। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्लोज कर देंगे। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम इस सेम यूज़र को यूज़ करके एक टिकट बनाएंगे। तो हम इसको जैसे ही रन करेंगे इस कमांड को, ये पासवर्ड मांगेगा। अब हमें जो पासवर्ड ऊपर मिला था वो पासवर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम टिकट बनाएंगे। तो ये टिकट क्रिएट हो गया। ये जो टिकट क्रिएट हुआ है उसको हम देख भी सकते हैं की लिस्ट के थ्रू, और हम देख सकते हैं कि हमारा टिकट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस टिकट को यूज़ करके हम लॉग इन करेंगे। सो अब हमें क्या करना है, मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, एंड अब हम डायरेक्टली ट्राई करेंगे। यूज़र नेम डालेंगे और IP डालेंगे, और हमें कोई क्रेडेंशियल नहीं डालना है, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी पहले एक बार ट्राई कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मुझे येस का ऑप्शन नहीं दिया है। आपकी स्क्रीन पे मे बी आप जब फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस करें तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट करेगा जिसमें येस और नो का ऑप्शन कहेगा, फिंगरप्रिंट्स वाला। आप वहाँ पर येस कर दें, देन ऑटोमेटिकली आप इस यूज़र के अंदर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं जो आपने टिकट क्रिएट किया है उस टिकट के थ्रू, और आपको कोई क्रेडेंशियल्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो हम जब अंदर पहुँच चुके हैं तो हम देखना चाहेंगे कि हम कौन, हमारा ID क्या है। तो हम वो चेक करेंगे, ID वैल्यू चेक करेंगे, और हम डायरेक्टली होम में जाएंगे। होम में जाएंगे और हमारे पास यूज़र भी है, यूज़र में चले गए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें user.txt दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट फ्लैग है जो हमें अचीव करना था, वो हमने अचीव कर लिया है। ओके नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक एडमिन यूज़र भी है। ओके एक एडमिन यूज़र भी है यहाँ पर जो रूट के अलावा और एग्जिस्ट कर रहा है। तो मे बी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें जंप करना पड़ेगा इस यूज़र से एडमिन पे। तो अब हमारा प्रिविलेजेस एक्सक्लेमेशन फ्रॉम आवर करेंट यूज़र टू द एडमिन यूज़र। तो उसके लिए हम देखना चाहेंगे, हम अपने सिस्टम पे कुछ फाइल्स को देखेंगे कि क्या हमें इसके थ्रू कुछ मिल सकता है। तो हम ये देखेंगे, ये हमारा रूटीन टाइप ऑफ होम लो एनिमेशन करते हैं जो हम लो लेवल शेल लेने के बाद करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा कोई क्रॉन जॉब चल रहा है सिस्टम पे या नहीं चल रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्रॉन जॉब ऐसा नहीं चल रहा है जो हमें काम दे सकता है।
फिर उसके बाद हमारे पास एनोवेशन जो हम लिनपीस चलाएंगे उसके थ्रू, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक और फाइल को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक लॉग बैकअप फाइल है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम इस लॉग बैकअप फाइल को जो ओपन करेंगे तो यहाँ का अगर हम कंटेंट रीड करें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जब भी ये ट्रिगर कर रहा है तो यहाँ से कोई भी कंटेंट है उसको उठा के वो एडमिन में डंप कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी फाइल यहाँ क्रिएट करेंगे वो एडमिन में डंप हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे साइड से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, हमने ये फाइल क्रिएट करी एंड देन सिंपली एंटर। ये जो फाइल क्रिएट करी है वो हम देख भी सकते हैं अगर चाहें, वो हम देख सकते हैं, हमारे मशीन पे दिख रही है हमें। अब हम इसी फाइल को ट्रांसफ़र कर देंगे उस पाथ में जहाँ से एडमिन में ट्रांसफ़र होगी फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, हमने ट्रांसफ़र करके हमें छोड़ देना है। एंड देन हम क्या करना है, एक नया टर्मिनल खोलेंगे, अब यहां पर हम डायरेक्टली एडमिन यूजर को कॉल करेंगे। तो अब हम लोग फिर से SSH के ऊपर जाएंगे और इस बार हमारा वो टिकट हमें फिर से क्रिएट नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग ऑलरेडी एडमिन में, हमारी जो फाइल थी वो कॉपीड हो चुकी है और हम जब इसको ट्रिगर करेंगे तो हमें एडमिन यूजर से लॉगिन मिल जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है, सो अगर हम अब ट्राई करेंगे एडमिन SRV को एक बार फिर से, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होने में, तो अगर हम अब ट्राई करेंगे तो हम डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे एडमिन यूजर विदाउट क्रेडेंशियल। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमें एडमिन यूजर के राइट्स मिल गए हैं इस मशीन पे। अब हमें यहां से रूट के लिए जाना है, तो ये राइट मिलने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क रहेगा कि हमें एडमिन से रूट बनना है। तो एडमिन से रूट बनने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कमांड हम फायर करेंगे जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम पे टिकट्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे टिकट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे एडमिन के कर रहे हैं, SRV01 के टिकट्स बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि की टैप क्या होता है, की टैप के बेस बहुत सारी ये फाइल जो है वो की टैप बेस्ड है। तो हम आइडेंटिफाई की कोशिश करेंगे कि ये की टैप एक्चुअली क्या है। तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या होता है। अ की टैप इज अ फाइल कंटेनिंग पेयर ऑफ Kerberos प्रिंसिपल्स और एनक्रिप्टेड कीज। इसके पास Kerberos के प्रिंसिपल्स और एनक्रिप्टेड कीज होती हैं जो यहाँ पर यूज की जाती हैं। यू कैन यूज अ की टैप फाइल टू ऑथेंटिकेट टू वेरियस रिमोट सिस्टम्स यूजिंग अ Kerberos विदाउट एंटरिंग अ पासवर्ड। सो आप इसको यूज करके किसी भी सिस्टम पर डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं विदाउट क्रीडेंशियल्स, विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन पैटर्न, आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। इसके लिए की टैप्स को यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेटअप में उसको हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर की एडमिन के थ्रू ये कमांड है जो हम ट्रिगर करेंगे की टैप के लिए। सो इसमें हम लोग बता रहे हैं कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको हम यहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं, और ये हमारा -p पैरामीटर है की एडमिन स्लैश एडमिन एट द रेट होस्ट नेम हमारा। तो ये एक सिंटेक्स है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर की एडमिन में आप बताएंगे कि मुझे किसके लिए क्या बनाना है। तो यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पर आएंगे @_principal की एडमिन स्लैश एडमिन रूट एट द रेट रियल कॉर डॉट stb। सो आपको ये एंट्री डालनी है, मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। इट्स @_principal स्पेस रूट एट द रेट रियल कॉर डॉट stb। सो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं इस टिकट को यूज़ करके हमारे खुद के यूज़र का क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए यहाँ पर रूट के, ताकि हम यहाँ से हम पासवर्ड सेट कर देंगे ताकि हम जब लॉग इन करेंगे उसके अंदर स्विच ओवर करना चाहेंगे तो हम डायरेक्टली स्विच ओवर कर सकते हैं उस क्रेडेंशियल जो हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसमें हम रूट का पासवर्ड खुद का चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उस टिकटिंग के अंदर यूज़ करके उसकी एक फीचर्स को यूज़ करके हम उसके पासवर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं और उसके थ्रू हम रूट तक पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे अब ये कहेगा हमसे पासवर्ड सेट करो, तो हम कुछ भी पासवर्ड सेट कर देते हैं। जैसे मैंने मेरे केस में test@123 सेट किया है। हम जैसे ही करेंगे तो ये क्रिएट हो गया यूज़र।
यहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये कमांड फायर करना है। जैसे हम SU रूट करते हैं वैसे यहाँ पर KSU करना पड़ेगा। आप ये करेंगे एंड देन यहाँ पर जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आप लिख दीजिए। जैसे ही आप करेंगे अब रूट बन जाएंगे। ओके, हम अब रूट बन चुके हैं और हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ये मशीन। अब हम लोग डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पर हम फाइल देख सकते हैं, हमारी हमारी फाइल है root.txt। grep root.txt। सो आप देख सकते हैं ये मशीन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इस मशीन का कंप्लीट वॉक थ्रू आपको मेरे टेक्निकल ब्लॉग में मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय।